हेलो फ्रेंड्स मैं हूँ रूपाली एंड वेलकम बैक टू रूपालीज किचन फ्रेंड्स आज मैं आप लोगों के लिए लेकर आई हूँ रेनबो या फिर होली से रंग होली के रंगों से रंगे हुए कपकेक्स वीडियो में आगे बढ़ने से पहले फ्रेंड्स अगर आपने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो फटाफट से चैनल को सब्सक्राइब कर लें तो चलिए वीडियो में आगे बढ़े तो इसके लिए सबसे पहले मैंने लिए यहाँ पे एक कप मैदा उसमें डालेंगे हम एक चम्मच बेकिंग पाउडर और आधा चम्मच बेकिंग सोडा और यहाँ पे मैंने दो चम्मच जो है मिल्क पाउडर लिया है मिल्क पाउडर को डालने से इसका टेस्ट बहुत ही अच्छा आ जाता है इन सबको अच्छे से छान लेंगे और छानने के बाद में इन सभी मिक्सचर को अच्छे से मिक्स कर लेंगे तो यहाँ पे हमारा ड्राई ड्राई इन्ग्रीडियंट जो है तैयार हो गए तो अब मैंने लिया है एक कप दही दही खट्टा नहीं होना चाहिए नॉर्मल जो मीठा वाला दही होता है वो लेंगे इसको फेंट लेंगे ताकि इसमें कोई लम्पस ना रहे अब यहाँ पे मैंने ली है एक कप शुगर एक कप शुगर को मैंने इसमें मिक्स कर दिया है दही में अच्छे से मिक्स कर लेंगे इसको ताकि इसमें कोई गाँठे न रह जाए और हमारा दही एकदम स्मूथ हो जाए फिर इसके बाद में मैंने इसमें डाला है पाइनएप्पल एसेंस पाइनएप्पल का क्या बोलते हैं इमल्शन तो मैं पाइनएप्पल फ्लेवर का बना रही हूँ इसलिए वो डाला है आप कोई भी फ्लेवर डाल सकते हैं फिर मैंने इसमें वन फोर्थ कप जो है ऑयल लिया है इसको भी अच्छे से मिक्स कर लेंगे हमारा बैटर देखिए कैसा मिक्स होके हो गया तो एक बार में नहीं डालेंगे थोड़ा थोड़ा करके डालेंगे नहीं तो इसमें लम्स पड़ सकते हैं आप इसको अच्छे से फेट के हमें स्मूथ कर लेना है तो जब इसे स्मूथ कर लेंगे तो उसका टेक्सचर थोड़ा सा चेंज हो जाएगा और ये थोड़ा पेल कलर का हो जाएगा तो यहाँ पे आप बैटर की कंसिस्टेंसी देख सकते हैं तो यहाँ पे मैं बना रही हूँ आज कप केक्स जो कि बच्चों को मेरे कप बहुत अच्छे लगते हैं और जिस दिन बनते हैं नहीं है उसी दिन ख़त्म हो जाते हैं तो यहाँ पे हर कप में मैं दो चम्मच जो है, दो बड़े चम्मच जो है बैटर डाल रही हूँ थोड़ा सा स्पेस हम छोड़ेंगे क्योंकि अभी हमारा जो केक है वो फूल के ऊपर आएंगे तो मैंने इसे माइक्रोवेव में पकाया था वन सेवेंटी डिग्री पर ट्वेंटी फाइव मिनट के लिए तो हमारा जो है कप केक्स बन के तैयार हो गए हैं अब मैंने यहाँ पे लिया है हाफ कप विप क्रीम अब इसे अच्छे से विप कर लेंगे और मैंने विपिंग करते टाइम वन आ, एसेंस डालना भूल गई थी बाद में डाला आप पहले ही डाल लीजिएगा तो यहाँ पे मैंने डाला वनीला एसेंस और उसके बाद में इसको मिक्स कर लिया क्योंकि मैं रेनबो कलर्स बना रही हूँ इसलिए मैंने पाँच भागों में क्रीम को डिवाइड कर लिया है और रेड ग्रीन ब्लू एंड येलो कलर और पर्पल कलर का मैंने क्रीम बना लिया तो इस तरीके से क्लीन फिल्म में मैं इसको डाल सारे कलर्स की एक लाइन बना के और क्लीन फिल्म पर ऐसे रोल करके इसका रोल बना लूंगी और आगे से जो है मैं इसके कट कर लूँगी और मैंने नॉर्मल स्टार नोजल लिया है तो स्टार नोजल में ही मैं डाल के ये सारे कलर्स इस तरीके से एक साथ निकलेंगे तो वो बहुत अच्छे लगेंगे वरना पाइपिंग बैग में इस तरीके से डाल नहीं पाते तो यहाँ पे हमारा पाइपिंग बैग तैयार हो गया है तो अब मैं जो कर क्या कर रही हूँ कि ये जो कोई भी नोजल आप ले सकते हैं उस नोजल के जो पीछे वाला गोल वाला पार्ट होता है उससे हम अपने कप केक में एक छेद कर लेंगे और इसको हम कैप की तरह अलग से निकालेंगे अब इसमें क्या करेंगे हम ये पाइन का क्रश है तो मैं यहाँ पर पाइनएपल का क्रश इसमें डालू गाइस जब हम जब कोई भी बच्चे इस कपकेक को खाएगा ना और मुँह में जो पाइनएपल क्रश का जो एक्सप्लोज होगा एक्सप्लोजन होगा वो बहुत ही अच्छा लगता है तो आपने भी अगर ये रेसिपी इस तरीके से ट्राई नहीं की तो ज़रूर ट्राई कीजिएगा तो इसी तरीके से मैं सब में छेद करके गोल गोल और ये सारा क्रश डाल दूँगी और फिर ऊपर से कैप लगा देंगे तो अब हम क्या करेंगे अब मैंने पाइपिंग बैग लिया है और इसे इसके ऊपर इस तरीके से घुमा घुमा के वो बना लिया है तो आप अगर कोई और डिज़ाइन चाहते हैं तो वो भी बना लीजिए मैंने यहाँ पे यही लिया था और मैंने छोटा स्टार नोजल लिया था बाद में मुझे ऐसा लगा मुझे थोड़ा सा बड़ा वाला स्टार नोजल लेना था तो शायद ये और भी ज़्यादा सुंदर लगते हैं कोई बात नहीं आपके पास हो आप तो आप वो ट्राई कर लीजिएगा तो यहाँ पे अब मैं डाल रही हूँ थोड़े से रेनबो स्प्रिंकल्स गाइस आपको ये रेसिपी कैसी लगी और मेरा ये जो था थोड़ा सा बैटर बच गया था तो मैंने उसका ये कप ये वाला केक बना लिया था दैन गाइज अगर आपको ये रेसिपी पसंद आती प्लीज तो प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब टू माई चैनल एंड मिलती हूँ आपसे अगली वीडियो में तब तक के लिए बाय बाय एंजॉय कीजिए कप और बच्चों के साथ में हैप्पी होली